हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन। हाउ टू इंडिकेटिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों के पास टीपी लिंक का राउटर है और आप अपने राउटर के वाईफाई का यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप से, तो वो आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है, तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने राउटर के साथ कनेक्ट करना होगा अपने उस डिवाइस को जिसको यूज़ कर आप अपने राउटर के वाईफाई का यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर अपने राउटर के वाईफाई का यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपने राउटर के वाईफाई से कनेक्ट करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन को। और अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को यूज़ करके करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास इथरनेट केबल है तो आप इथरनेट केबल का यूज़ कर सकते हैं, मतलब लैन केबल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके लैपटॉप पर वाईफाई चल रहा है, तो आप अपने लैपटॉप के वाईफाई को ऑन कर अपने राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक आईपी जो है वो खोलना होगा, मतलब एक यूआरएल खोलना होगा। इस यूआरएल का नाम है आपके राउटर के पीछे लिखा हुआ होगा tplinkwifi.net। तो आप यहां पर से इसको खोल लीजिए, जैसे यहां पर से देखिए tplinkwifi.net इसको खोल लीजिए, या फिर आप एक आईपी खोल लीजिए जो है 192.168.0.1 या फिर 192.168.1.1। तो जो भी आपके उसमें काम करे, आप यहाँ पर से उसको खोल लीजिए। जैसे आप यहाँ पर से उसको खोल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा, अपने राउटर, ये देखिए यहाँ पर मेरे को टीपी लिंक का जो राउटर है वो यहाँ पर से उसका लॉगिन पेज खुल चुका है। आपको यहाँ पर से अपने राउटर का लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना होगा। तो अगर आपने अपने टीपी लिंक के राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर से डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा जो होता है एडमिन और एडमिन। आप यहाँ पर से ये डाल दीजिए, और जैसे आप यहाँ पर से इसको डाल देते हैं, तो यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, लॉगिन पे क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर से लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर से लॉगिन पे क्लिक करा, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन मिलता है वायरलेस का। आपने क्या करना है, यहाँ पर से वायरलेस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर से वायरलेस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टीपी लिंक के राउटर का वाईफाई का नेम है वो है हाउ टू, हम यहाँ पर से कनेक्टेड हैं हाउ टू के थ्रू। जैसे ही यहाँ पर से मैं इसका नेम चेंज करूँगा, तो मैं यहाँ पर से इस नेटवर्क के साथ डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा। देखिए मैं आप सभी लोगों को एग्जाम्पल जो है वो दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसका नेम मैं यहाँ पर से सुंदर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर से इसका नेम सुंदर कर दिया, और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर से सेव पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा मैं। तो यहाँ पर से जैसे ये देखिए सेव हो रहा है, और जैसे ही ये यहाँ पर से पूरा इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ये हमारा जो वाईफाई का नेम सुंदर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर से इस नेटवर्क के साथ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ आपने अपने राउटर के वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर दिया या फिर उसका यूज़र नेम चेंज कर दिया, तो जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे उस राउटर के साथ, वो सारे के सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसका पासवर्ड भी चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर से इस पर ट्राई अगेन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर से ये खुल जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर से इसमें लॉगिन है। तो अगर आपको यहाँ पर से अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है वायरलेस सिक्योरिटी का, आपको यहाँ पर से इसमें क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर से वायरलेस सिक्योरिटी पे क्लिक करा, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वायरलेस का पासवर्ड जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से कर देता हूँ 8765432 1। तो 8 जो मिनिमम करेक्टर है वो होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा, इसमें सेव पे क्लिक करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर से सेव पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, जिस भी नेटवर्क से हम कनेक्टेड थे वो यहाँ पर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो जितने भी डिवाइस आपके कनेक्टेड थे इस वाईफाई के थ्रू, वो सारे के सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास सही पासवर्ड नहीं है, उनके पास सिर्फ क्या है, सही नेम है। तो यहाँ पर से जैसे ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर से देखिए हमारा जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए हम इससे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर से ये रिकनेक्ट कर रहा है। अब इसके पास यहाँ पर से सही पासवर्ड नहीं है, तो यहाँ पर से ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसमें क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर से इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर से क्या करेंगे, इसमें दोबारा से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर से मैंने उसमें उस समय कनेक्ट ऑटोमेटिकली मैं क्लिक कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पर से ये ऑटोमेटिक उसको कनेक्ट कर रहा था। तो अब यहाँ पर से देखिए हमें क्या करना होगा, इसका पासवर्ड जो है वो चेंज करना होगा, और उसके बाद हम आसानी से अपने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से दोबारा से इसको कनेक्ट करता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर से इसमें पासवर्ड जो है वो जो हमने नया चेंज करा था उसको यहाँ पर से डाल देता हूँ। 8765432 1 मैंने इसको डाल दिया, और उसके बाद कनेक्ट पर क्लिक कर दिया, इसको यस कर दिया। तो ये वेरीफाई कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर से देखिए हम कनेक्टेड हो चुके हैं, और उसके बाद हमारे उसमें इंटरनेट जो है वो चल रहा है। तो ऐसे करके आप आसानी से अपने टीपी लिंक के राउटर का वाईफाई का यूजर नेम और पासवर्ड दोनों आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया, तो लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स और हाउ टू वीडियो देखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस टीपी लिंक के राउटर को खरीदना चाहते हैं जो सिर्फ 819 रुपए का, तो इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पर से क्लिक करके इस राउटर को खरीदना चाहें तो आप आसानी से खरीद सकते हैं। और अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर सुझाव हैं, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।